पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव में हिरोशी नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। हिरोशी अपने ज्ञान और शांतिपूर्ण आचरण के लिए दूर दूर तक जाना जाता था और कई लोग आत्मज्ञान की खोज में उसका मार्गदर्शन चाहते थे। एक दिन एक युवा यात्री गांव में आया जो श्रद्धेय बुद्धिमान व्यक्ति से सीखने के लिए उत्सुक था। यात्री ने हिरोशी से संपर्क किया और कहा, मैंने आंतरिक शांति और ज्ञान की तलाश में दूर दूर तक यात्रा की है। कई गुरुओं ने मुझे अपने तरीके सिखाए हैं, लेकिन मैं अभी भी बेचैन और असंतुष्ट महसूस करता हूँ। मैं सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ, हिरोशी दयालुता से मुस्कुराया और यात्री को अपने पास बैठने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, निरंतर खोज से आत्मज्ञान नहीं पाया जा सकता, यह आपके भीतर रहता है, खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। हैरान होकर यात्री ने पूछा, लेकिन मैं अपने भीतर इस आत्मज्ञान को कैसे उजागर करूं? मैं शोर को कैसे शांत करूं और आंतरिक शांति कैसे पाऊं? हिरोशी आगे झुका और धीरे से बोला, ध्यान से सुनो मेरे प्रिय यात्री, प्राचीन काल की एक कहानी है जिसमें वह उत्तर है जो तुम चाहते हो। बहुत समय पहले घने जंगल के बीच से एक विशाल नदी बहती थी। नदी के एक किनारे पर बांस की एक छोटी और नाजुक टहनी खड़ी थी जो विपरीत तट पर विशाल बांज के पेड़ों को निहार रही थी। छोटा और महत्वहीन महसूस करते हुए बांस बांज के पेड़ों की तरह भव्य और मजबूत होने की चाहत रखता था। हर दिन बांस नदी के पार देखता, अपने आकार और कद से ईर्ष्या करता। एक दिन एक बुद्धिमान बूढ़ा बांज बांस के पास पहुंचा और बोला, मेरे प्यारे बांस, दूसरों से अपनी तुलना मत करो, अपनी विशिष्टता को अपनाओ क्योंकि इसमें बहुत ताकत है। बांस ने हैरान होकर पूछा, लेकिन मेरे जैसी इतनी नाजुक और नाजुक चीज सत्ता कैसे संभाल सकती है? बूढ़ा ओक मुस्कुराया और फुसफुसाया, जिस शक्ति को आप खोज रहे हैं वह आपके भीतर निहित है। उन शब्दों को अपने दिल में गूंजते हुए बांस अपनी प्रकृति को अपनाने के लिए बड़ा हो गया। वह अपने लचीलेपन का जश्न मनाते हुए हवा में खूबसूरती से लहराने लगा। इसके पतले रूप ने इसे हवा के साथ नृत्य करने की अनुमति दी, जिससे एक सुंदर धुन तैयार हुई जो केवल उन लोगों द्वारा सुनी गई जो गहराई से सुनते थे। इस बीच शक्तिशाली ओक के पेड़ जड़े जमाए रहे, लेकिन उनके पास आंदोलन की स्वतंत्रता का अभाव था। उनकी ताकत हालांकि बेजोड़ थी, उन्हें कठोर बनाए रखती थी और खुद को पूरी तरह से व्यक्त करने में असमर्थ रखती थी। हिरोशी रुका और यात्री की आंखों में गहराई से देखा। जिस तरह बांस ने अपनी असली ताकत का पता लगाया, उसी तरह आपको भी अपनी विशिष्टता को अपनाना चाहिए और वर्तमान क्षण के प्रति समर्पण करना चाहिए। सच्चा आत्मज्ञान खुद को वैसे स्वीकार करने और अपने भीतर शांति पाने में निहित है। कहानी से प्रभावित होकर यात्री को कहानी के भीतर छिपे गहन सत्य का एहसास हुआ। उन्होंने हिरोशी को उनकी बुद्धिमत्ता के लिए धन्यवाद दिया और उन शब्दों को दिल से लगा लिया। जैसे जैसे यात्री ने अपनी यात्रा जारी रखी, उसने तुलना और निर्णय करना छोड़ देना सीख लिया। प्रत्येक बीतते दिन के साथ वह अपनी आंतरिक आवाज के प्रति और अधिक अभ्यस्त हो गया और वर्तमान क्षण में सांत्वना और स्पष्टता पा रहा था। इसलिए यात्री को पता चला कि आत्मज्ञान का मार्ग कोई गंतव्य नहीं है जिस पर पहुंचा जा सकता है, बल्कि खुलेपन और स्वीकृति के साथ अपनाई जाने वाली यात्रा है। नाजुक बांस की तरह उसने अपने भीतर अपनी अनूठी ताकत पाई और उस शांति और ज्ञान को प्रसारित किया जो उसे इतने लंबे समय से नहीं मिला था।